बिहार के विधानसभा चुनाव के ऐलान से डेढ़ साल पहले जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष रहे प्रशांत कुमार ने बिहार की बात की थी। उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि वह 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार वह चुनाव नहीं लड़ रहे, साथ ही वह खामोश बैठे हैं। प्रशांत कुमार ने इस बार चुनाव को लेकर एक भी ट्वीट नहीं किया है। उनका आखिरी ट्वीट जुलाई महीने का है, वो भी कोरोना वायरस को लेकर किया था। खबरों की माने तो प्रशांत किशोर रालोसपा समेत अन्य छोटे दलों से बात कर महागठबंधन में अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं। वहीं जेडीयू का मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ने के पीछे प्रशांत वजह है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कुछ लोगों का कहना है कि प्रशांत की सफलता जीतने वाले को चुना है। यूपी चुनाव में सपा और कांग्रेस की हार में वह भी असफल हुए। साथ ही कईयों का मानना है कि प्रशांत को खारिज ना करते हुए साल 2025 का इंतजार करना चाहिए। न्यूज़ डेस्क।